तरह काम करते रहे, यही हमारे उत्सवों और पर्वों का संदेश है, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारे सार्वजनिक जीवन के प्राण हैं। साथियों, रैलियां तो लोकसभा के चुनाव के दौरान भी बहुत हुई थी, यहां उत्तरी महाराष्ट्र में भी एक से एक विराट जनसभाएं हुई, लेकिन जलगांव की एक जनसभा अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं वहां देखता हूं पूरी जैसे सभा चल रही है, ऐसे इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ चल करके आ रही है। तो मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है, खड़े होकर के देख रहे हो। अच्छा, आपका भी मन कर गया इस नजारे को देखने का, ये मीडिया वाले भी देख रहे हैं। पूरी की पूरी सभा जैसे चल रही है, सब लोग इधर की ओर चल पड़े। मुझे बताया गया है कि दोपहर के इस ताप में भी आप घंटों से यहां बैठे, हम सभी साथियों के लिए आपके स्नेह को, इस सद्भावना को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाई और बहनों, हम सभी आने वाले 5 वर्षों के लिए देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में महायुति सरकार के लिए एक बार फिर आप सबका समर्थन मांगने के लिए आए हैं। लेकिन जलगांव की धरती पर आने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, आपने जो अभूतपूर्व विश्वास हम सब पर, मुझ पर, भाजपा पर, एनडीए पर दिखाया है, हम उसका आभार भी जताने आए हैं। साथियों, 4 महीने पहले आपने एक समर्थ और सशक्त नए भारत के निर्माण के लिए वोट दिया था, आपने ऐसे भारत के लिए जनादेश दिया था जो विश्व में अपने स्वाभाविक स्थान को हासिल करे, आपने एक ऐसे भारत के लिए हमें आदेश दिया था जो 130 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाए। भाइयों और बहनों, आज जब आपके बीच में आया हूं, तब कह सकता हूं कि नए भारत का नया जोश दुनिया को भी दिखने लगा है। आपको भी लगता है ना? आपको भी लगता है ना? आपका भी विश्वास है ना? आप भी अनुभव कर रहे हैं ना? पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? गलत गलत, सब जगह वाले
ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके उस वोट के कारण हो रहा है। आज दुनिया में नए भारत का अगर जलवा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ मेरे देशवासी, आपने जो भारी मतदान किया उससे दुनिया में भारत के लोकतंत्र का गौरव गान हुआ। हमारी बहनों ने जिस प्रकार भारी संख्या में वोटिंग की उससे भारत की नारी शक्ति का लोहा दुनिया मानने लगी है। मैं खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा जहां चुनाव इस बार चल रहे हैं वहां की माताओं बहनों को विशेष आग्रह करना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव में आपने मतदान करके पुरुषों की बराबरी कर ली, इसके लिए बधाई। लेकिन विधानसभा चुनाव में मेरी माताएं बहनें पुरुषों से भी आगे निकलनी चाहिए, होगा होगा। ये पुरुष तो नहीं बोलेंगे, बहना है तो बोले, होगा पक्का। देखता हूं महाराष्ट्र में महिलाएं आगे निकलती हैं कि पुरुष आगे निकलते हैं, आ जाए मुकाबला हो जाए इस बार। आपने जिस तरह जाति वर्ग संप्रदाय क्षेत्र से ऊपर उठकर एक निर्णायक जनादेश दिया है उसने भारत की छवि को चार चांद लगा दिया। साथियों, आपके इसी जनादेश का परिणाम है कि आज भारत की आवाज दुनिया की हर बड़ी ताकत मजबूती से सुन रही है। विश्व का हर देश, हर क्षेत्र आज भारत के साथ खड़ा दिखता है, भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है। दुनिया भर में भारत को पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो इसके लिए इसके पीछे आप सभी साथियों का समर्पण है, उत्साह है, जाग है, तपस्या है और जोश भी है। और 130 करोड़ साथियों के जोश से ताल बिठाने की, आपकी भावनाओं को ऊंची साथ देने की कोशिश उसमें हम कोई कमी नहीं रहने देते। साथियों, आज नया भारत ठान चुका है कि उसे अतीत के अनावश्यक बंधनों में बंधकर नहीं रहना। आज नया भारत अपने वर्तमान को मजबूत तो कर ही रहा है, खुद को भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत की भावनाओं के अनुसार बीते कुछ महीने से हम लगातार उन चुनौतियों को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं।
जो पांच तक दशकों से चली आ रही थी, आज हम सामने से उसे टकराने का मन बना लिए। पांच अगस्त को क्या हुआ? पांच अगस्त को क्या हुआ? पांच अगस्त को क्या हुआ? पांच अगस्त को, पांच अगस्त को क्या हुआ? पांच अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एनडीए सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला, जिसके बारे में सोचना तब पहले असंभव लगता था, एक ऐसी स्थिति जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गरीब की, बहन बेटियों की, दलितों की, शोषितों के विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी। और आज जब हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, 70 साल हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले मेरे वाल्मीकि भाइयों बहनों को, मानव को जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। आज मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए कहता है तो मेरे वाल्मीकि भाइयों को गले लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। एक ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का विस्तार हो रहा है, ये विस्तार था आतंक का, अलगाव का, एकता और एकीकरण की सोच के खिलाफ षड्यंत्रों का। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है, मां भारती का सिंह, वहां का समूचा जीवन, वहां का कण कण भारत की सोच को, भारत की शक्ति को मजबूत करता है। अब आस पड़ोस की नापाक शक्तियों की गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने और वहां खून खराबा कराने पर, और तब हमने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाए। समय के साथ साथ तमाम सावधानियां बरतते हुए वहां की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने के निरंतर प्रयास किए। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही उसको सामान्य बनाने में चार महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दूंगा। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता राष्ट्रहित में लिए गए इस निर्णय पर राजनीति करने में जुटे हैं, और ये राजनीतिक दल यहां महाराष्ट्र में भी आपके वोट लेने के लिए आपके बीच में चक्कर काट रहे हैं। भाइयों बहनों,
कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के बयान देख लीजिए, इनके नेताओं की मेल मुलाकातें देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो देश सोचता है उससे एकदम उल्टा इनकी बातों में दिखता है, उनकी सोच में दिखता है, उनके व्यवहार में दिखता है। इन दलों की भूमिका भारत की काम पड़ोसी देश के लोग जो भाषा बोलते हैं ऐसा लग रहा है उनके साथ बड़ा तालमेल नजर आ रहा है। तरह तरह के बहाने बनाकर ये महाराष्ट्र की देश की भावनाओं के साथ खड़े रहने में संकोच कर। साथियों, हमारे लिए तो 5 अगस्त का निर्णय अटल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर लाने का निश्चय भी अटल है। और आज मैं महाराष्ट्र की धरती, बाबा साहब अंबेडकर की धरती से महात्मा ज्योतिबा फुले की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में स्पष्ट स्टैंड लेकर के आप सामने आए, अगर आपका हिम्मत है और कान खोल करके हमारे विरोधी सुन ले, अगर आपका हिम्मत है तो इस चुनाव में भी और आने वाले चुनावों में भी आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में आना आप सुना बातें करने वाले लोग अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370 35 ए जो भाजपा ने मोदी सरकार ने हटाई है वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। हिम्मत है तो करो, 5 अगस्त के निर्णय को हम बदल देंगे, चुनौती देता हूं मैं। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, आप मुझे बताइए ये रोज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनमें किसी में दम है अब 370 वापिस ले आ पाए? है दम? आप लोग लाने देंगे क्या? हिंदुस्तान लाने देगा? और लाने की कोशिश करेगा वो बच पाएगा क्या? उसका राजनीतिक भविष्य बचेगा क्या? देश को स्वीकार करेगा क्या? जब इन लोगों को भी मालूम है उनकी चलने वाली नहीं है तो फिर घड़ियाली आसिन क्या बात है? भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर लिया गया फैसला भाजपा के उन संस्कारों का भी आईना है। हमारे वायदों, हमारे वादों और इरादों में एक स्पष्टता भी है और वादों को पूरा करने का साहस भी है। हमारे लिए कथनी और करनी में भेद नहीं। इसका एक और उदाहरण, 3 तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने कितनी ही कोशिशें की कि मुस्लिम बहनों और बेटियों को इंसाफ न मिल पाए, अधिकार न मिल पाए,
कितनी ही बार उन्होंने कानून के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन हमने मुस्लिम माता और बहनों को जो वादा किया था हमने उसको निभाया। हमारे संकल्प आज उनकी सिद्धि ही हमारे संस्कार। और इसमें भी मैं विरोधी दलों को चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है तो आइए खुले मैदान में और घोषणा कीजिए कि हम फिर से तीन तलाक का कानून लाएंगे। करो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तीन तलाक के कारण सिर्फ मुस्लिम माताओं बहनों को हक मिला इतना नहीं, लेकिन मुस्लिम पुरुष वो सिर्फ पति नहीं है, वो पिता भी है, वो भाई भी है। और मुस्लिम पुरुष भी सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, पति के नाते तो शायद मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन पिता के नाते मुझे लगता है तब मेरी बेटी सुरक्षित है। भाई के नाते मुझे लगता है कि मेरी बहन सुरक्षित हो गई। और इसलिए आज हिंदुस्तान के मुसलमान पुरुष हो या स्त्री हो, तीन तलाक के मुद्दे पर उज्ज्वल भविष्य की ओर देख करके चलने के लिए तैयार। देश को आज क्या चाहिए? 5 वर्ष पहले अक्टूबर में जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने आपसे देश के बाद महाराष्ट्र में भी भाजपा को महायुति को अवसर देने का आग्रह किया। मैंने आपको वचन दिया था कि अगर आपने मौका दिया तो महाराष्ट्र को स्थिर सरकार मिलेगी, स्वच्छ सरकार मिलेगी, सशक्त सरकार मिलेगी, संवेदनशील सरकार मिलेगी, सबके साथ से सबका विकास करने वाली सरकार मिलेगी। साथियों अब आप बताइए, ये पांचों बातें बीते 5 वर्ष में जमीन पर उतरी कि नहीं उतरी? उतरी कि नहीं उतरी? उतरी कि नहीं उतरी? 5 वर्ष में देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक ही मुख्यमंत्री रहा कि नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? वरना पहले तो ऐसे ग्रहों की छाया थी कि इतने बड़े लंबे कालखंड में एक ही मुख्यमंत्री थे जिनको 5 साल रहने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको 5 साल, और ये राजनीतिक स्थिरता ने पूरे महाराष्ट्र की हिंदुस्तान में गरिमा बढ़ाई है। इतना नहीं, आज दुनिया में भी महाराष्ट्र और मुंबई की वाहवाही होने लगी। 5 वर्ष में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय का एक समान विकास हुआ है नहीं? 5 वर्ष में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त शासन मिलाया नहीं? 5 वर्ष में सामाजिक सद्भाव महाराष्ट्र में सशक्त हुआ या नहीं? भाई और बहनों, बीते 5 साल में यहां देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम ने महाराष्ट्र को विकास और विश्वास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया। महाराष्ट्र का युवा हो, महाराष्ट्र की बहन बेटियां हो, सभी के लिए इस विश्वस्त साथी के रूप में सरकार ने काम किया। सड़क से लेकर सिंचाई तक, पढ़ाई से लेकर दवाई तक, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में रहा। किसान हो या कारोबार, हर किसी को नया आत्मविश्वास देने में सरकार सफल रही। साथियों,
बीते 5 वर्ष के हमारे काम से यहां विपक्ष भी हैरान और परेशान है, हमारे विरोधी भी आज ये मांग रहे हैं कि महायुति का नेतृत्व कर्मशील भी है और ऊर्जावान भी है। थके हुए साथी एक दूसरे के लिए सहारा तो बन सकते हैं, महाराष्ट्र के सपनों को, यहां के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम कभी नहीं बन सकते। और ये भी देखिए वहां ये नेता लोग कैसे हैं, आप देखिए हमारे यहां मंच पर एक से एक बढ़कर एक नौजवान नेता दिखाई देते हैं और लगातार नए नेता उभर रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा सोशल मीडिया, सच्चा है झूठा है वो तो आप जांच कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं बता था। एक नेता जी सोफा पर बैठे हैं, माला पहनाने के लिए उनकी पार्टी के नेता आए तो 3-4 लोगों ने उनको पकड़ करके खड़ा किया नेताजी को, और फिर माला पहनाई तो बीच में थोड़ी जगह थी तो एक नौजवान ने अपनी मुंडी दिखाई। तो ये इतने बड़े नेता जिसकी जीवन भर अखबारों में फोटो छपती रही है, टीवी पर दिखते रहे, बड़ा माना गया है, लेकिन मन इतना छोटा था कि एक नौजवान की मुंडी दिख रही तो ऐसे करके हैरान हो गया। जो लोग अपने ही दल के मंच पर बैठे हुए अपने महत्वपूर्ण साथी की मुंडी भी माला में घुस गई तो पानी मार करके बाहर निकाल दिया, जो अपने ही दल को पड़ा नहीं मार सकते वो आपके बेटे को कैसे पड़ा। साथियों मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के विकास की तेज गति और निरंतर प्रगति में एक सार्थक योगदान का अवसर हमें मिला है। जब यहां की गरीब बहनों आदिवासी बहनों के जीवन में आए बदलाव के बारे में सुनते हैं तो हमें संतोष होता है। आज महाराष्ट्र के गरीब 10 लाख बहने हमारी सरकार की आवास योजना की वजह से अपने पक्के घर में अपने परिवार की देखभाल कर पा रहे हैं। आज उनको इस बात की चिंता नहीं है कि त्योहार में वो मेहमानों को कहां जगह देंगी, बरसात में बच्चों को कहां सुलाएंगी, और 10 लाख बहनों को जो खुशी बीते 5 वर्ष में मिल चुकी है, आने वाले कुछ महीनों में 10 लाख और बहनों को अपना पक्का घर मिलना तय है। ऐसा पक्का घर जिसमें अपने भी पलेंगे और अपनों के सपने भी पले। महाराष्ट्र के देश के हर गरीब के अपने घर के सपने को 2022 तक पूरा करने के लिए हम पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं और इस गति को और तेज करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई पर भी फिर मोहर लगाने का आह्वान करने के लिए आज हम सभी यहां एकत्र आए। भाई बहनों 4 महीने पहले ही आपने ये तय किया है कि नए भारत के निर्माण में महाराष्ट्र की भूमिका अहम हो, किसान जवान और नौजवान के जीवन को बेहतर बनाने के
जिस संकल्प को लेकर भाजपा एनडीए का गठबंधन आपके बीच आया था, उस पर पूरे महाराष्ट्र ने विश्वास जताया। आज जलगांव से लेकर पूरे महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि सरकार बनाने के बाद कितनी तेजी से संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम शुरू हो चुका है। भाजपा के संकल्प पत्र की अनेक बातें अब या तो जमीन पर उतर चुकी है या फिर उनको पूरा करने के लिए योजनाएं शुरू हो चुकी है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपसे वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा हर किसान परिवार तक पहुंचाया जाए। आज महाराष्ट्र के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें भी महाराष्ट्र प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। देवेंद्र जी, आपको बधाई, आपकी टीम को भी बधाई। यहां के 7 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कल्चर नहीं। जिन किसान परिवारों को आधार से लिंक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बैंक में नाम का स्पेलिंग एक है, आधार में स्पेलिंग अलग है, उनके लिए भी छूट देने का फैसला सरकार कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे साथियों के बैंक खाते में भी सीधे सीधी मदद पहुंचाई जाए और 4 महीने के भीतर भीतर फिर से ये जो छोटी मोटी टेक्निकल कमियां हैं उसको दूर करके 4 महीने के भीतर भीतर आधार से जोड़ने का काम भी कर दिया जाएगा और दरमियान पैसे भी पहुंचाएंगे। भाई और बहनों, भाजपा के तमाम साथियों ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के छोटे किसानों को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का भी संकल्प लिया। सरकार बनते ही हमने निर्णय लिया कि छोटे किसान परिवारों और छोटे कारोबारियों, दुकानदारों को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की नियमित पेंशन की सुविधा दी जाए। आज पीएम किसान मानधन योजना और पीएम व्यापारी पेंशन योजना से लाखों किसान और दुकानदार साथी जुड़ रहे हैं। अभी तक देश भर में करीब 18 लाख किसान पेंशन योजना का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें से 70,000 से अधिक ये मेरे महाराष्ट्र के। साथियों, एक और बहुत बड़े संकल्प को हम जमीन पर उतारना शुरू करते हैं। ये संकल्प पानी का, महाराष्ट्र सहित पूरे देश के हर घर को जल से जोड़ने का, इस संकल्प को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये तो स्वयं ही जलगांव है और जलगांव से ही जल पहुंचाने का संकल्प लेने का मुझे मौका मिला है। जाहिर है इस बजट का बहुत बड़ा लाभ महाराष्ट्र को होने वाला है। जलगांव सहित उत्तरी महाराष्ट्र के हर जिले, हर तालुका, हर गांव को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन इतने व्यापक अभियान को सिर्फ सरकार नहीं चला सकती, इसमें पूरे महाराष्ट्र की भूमिका अहम रहने वाली है। जलयुक्त शिवार का जो अभियान यहां देवेंद्र जी की टीम आप सभी साथियों के साथ मिलकर चला रही है, उससे इस मिशन को और गति मिलने वाली है। आज जल बचाने और जल संरक्षण के लिए आप अपने स्तर पर जो भी प्रबंध कर रहे हैं उनको अब तकनीक से जोड़ने वाले, हमारे पानी के स्रोतों को कैसे एक ग्रिड से जोड़ा जा सकता है और फिर उस ग्रिड से कैसे घर घर तक उचित मात्रा में पानी पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारी बहनों को पानी की चिंता से मुक्ति मिले और हमारे किसान परिवारों की बारिश पर
निर्भरता भी कम हो। भाइयों बहनों, पानी सिर्फ किसान की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण शर्त है। महाराष्ट्र के इस हिस्से में उद्योगों के लिए बहुत स्कोप है, विशेष तौर पर खेती से जुड़े उद्योगों के लिए यहां की स्थितियां और परिस्थितियां अनुकूल हैं। बीते 5 वर्षों में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। पिछली बार जब जलगांव आया था तो यहां के केला किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जाना है। महायुति की सरकार ने इन परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। पर्याप्त पानी और पर्याप्त बिजली के लिए यहां जिस तरह से कोशिशें हो रही है उसके बाद यहां के औद्योगिकरण उसको भी पंख लग जाएंगे, युवाओं को रोजगार के अनंत अवसर मिल पाएंगे। साथियों, अब हम किसानों को पोषक के साथ साथ निर्यातक बनाने की भी गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। जलगांव का केला हो या फिर हमारे आदिवासी क्षेत्रों का मंगल, इस पूरे इलाके की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आने वाला है। भाइयों और बहनों, जलगांव सहित इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक सड़कों के साथ साथ रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। जलगांव अभियान योजना के साथ भी जुड़ चुका है, रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है और जिन पर काम चल रहा है वो जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। मनमाड़ और इंदौर के बीच रेल लाइन का जो काम हमारी सरकार ने शुरू करवाया है उसके पूरा होने के बाद इंदौर और जेएनपीटी नावा सेवा बंदरगाह के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी मिलेगा, यहां के उद्यमियों को, यहां के किसानों को मिलेगा। साथियों, केंद्र और राज्य में डबल इंजन की जिस डबल शक्ति का उदाहरण महाराष्ट्र ने देश के सामने रखा था उससे देश के अनेक राज्यों ने प्रेरणा ली। अब उसी संकल्प को दोहराने का समय है। महाराष्ट्र के विकास की गति को हमें किसी तरह निरंतरता देनी है। महाराष्ट्र के विकास की गति को हमें और तेज करना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एक बार फिर मजबूत सरकार यहां बनेगी। सबसे सवाल पूछू क्या? पूछू, सबके सब जवाब देंगे। क्या आप सभी ये काम करेंगे? करेंगे। 21 अक्टूबर को भारी मतदान सुनिश्चित करेंगे। रविवार और सोमवार की रजा साथ साथ आ रही है, फिर भी मतदान करोगे कि नहीं करोगे? इधर उधर चले तो नहीं जाओगे ना?